अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी AMU के RM हॉस्टल से हथियार बरामद होने से सनसनी फैल गई है। AMU प्रशासन को मिली सूचना के आधार पर जब हॉस्टल की चेकिंग की गई तो ये हथियार बरामद किया गया। आरोपी छात्र फिलहाल फरार है और उसकी तलाश की जा रही है। कुछ कमरे हैं जिसमें अनऑथराइज्ड लोग रह रहे हैं और वो हाल के मेंबर नहीं है लेकिन फिर भी रह रहे हैं। उसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कल उन्होंने तकरीबन 1 बजे के आसपास में प्रॉक्टर की टीम को भी बुलाया और अपने टीम के साथ उन्होंने एक वार्डन हाउस है, सी ब्लॉक में वार्डन हाउस है, उस वार्डन हाउस का उन्होंने रेड किया। तो खैर वहाँ पर कोई मौके पर कोई आदमी तो नहीं मिला, लेकिन उसमें सर्च के दौरान कुछ ऑब्जेक्शनेबल आपत्तिजनक चीज़ें मिली हैं, जिसमें से एक देसी कट्टा है वो मिला है और कुछ लाइव कारतूस कार्टेज हैं, चार या पाँच जो भी हों, तादाद उनकी हो, और उसमें कुछ कागजात भी मिले हैं, कुछ आइडेंटिटी कार्ड, 2 मोबाइल फ़ोन भी मिले थे। वो सारी चीज़ों को उसने जब्त कर लिया और इसके बाद में पुलिस को जो असलहा था और जो कार्टेज थे उनको दे दिया और उसी के साथ एक तहरीर भी दे दिया है रिपोर्ट दर्ज करने के लिए। तो इस तरीके से ये कार्रवाई हुई है। AMU प्रशासन के द्वारा इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए अपनी आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। यूनिवर्सिटी के हॉल में चेकिंग के दौरान डॉक्टरल टीम द्वारा एक कमरे से अवैध तमंचा व कुछ जिंदा कारतूस बरामद किए गए। इस संबंध में कमरे में रहने वाले अब्दुल हक नाम के व्यक्ति के विरुद्ध थाना सिविल लाइन पर FIR पंजीकृत कराई गई है, अभी उसकी तलाश की जा रही है। जाहिर है ये चिंताजनक मामला है जो सामने आया है। इस पर आगे की कार्रवाई के लिए AMU प्रशासन प्रतिबद्ध दिखाई दे रहा है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।